Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy किसका birthday? किसका birthday? बताओ 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 किसका birthday? मेरे को नहीं पता. मेरे को नहीं पता यार. I'm just singing. किसी का तो हो गई हाँ. बड़ा है. Welcome to BrainBaazi. मैं हूँ आपके साथ सुकृति और आई हूँ. तो ऐसे कैसे आ जाऊँ खाली हाथ यार. Definitely कुछ लिख के लाई हूँ. तो अर्ज किया है रिशाद रिशाद कि सब आपसे सवाल करते हैं कि जी क्यों कहाँ और कैसे मतलब बॉस भी गर्लफ्रेंड भी सब करते हैं. तो गौर फरमाइए कि सब सवाल करते हैं कि क्यों कहाँ और कैसे. यहाँ भी सवाल ही हैं पर वो आपको जिताएंगे पैसे. वाह वाह क्या बात है क्या बात है. तो रूल्स वही है 11 सवाल आपकी स्क्रीन पर आएंगे. यू गेट 10 सेकंड्स टू आंसर एंड 3 ऑप्शन. सारे सवालों के सही जवाब देगा यू जीनियस. तो फिर आज के प्राइज मनी से आप अपना हिस्सा लेके जाओगे विच इज 1 लाख रुपीज. दैट्स राइट. सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सिर्फ तब आप 1 लाख रुपीज से अपना हिस्सा लेके जाओगे. बट क्वेश्चन नंबर 9 जो है दैट इज लाइक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट. आई टेल यू व्हाई. क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 का नाम होता है द कल नायक सवाल. यानी ये सवाल वो लोग भी अटेम्प्ट कर सकते हैं जो गेम में नहीं है पर अगर आपने बिना लाइफ यूज करे सही जवाब दिया तो फिर आपको एक लाइफ मिल जाती है इस वाले क्वेश्चन पे. यस यस. और उसके इमीडिएटली बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 जिसका नाम होता है द रनर्स अप सवाल. यानी ये सवाल आप तभी अटेम्प्ट कर पाओगे अगर आप गेम में हो और बिना लाइफ यूज करे सही जवाब दिया तो फिर 30,000 में से अपना हिस्सा लिखे जाओगे. कूल राइट. ऑल सॉरी. ओके वेरी इंपॉर्टेंट यार बी विद द टाइम्स राइट. अपने ऐप को अपडेट कर लो. हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि तभी आप नए नए गेम को खेल पाओगे जो आपको यहाँ मिलते हैं ऑन द BaaziNow ऐप. ऑलराइट तो शुरू करें दिस एडिशन ऑफ BrainBaazi. हाउ मेनी पीपल आर लॉग्ड ऑन टू अस. 39,000 से ज्यादा लोग आपके स्क्रीन पे. क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा मोदक कौन से भगवान की पसंदीदा मिठाई होती है. गणेश कार्तिकेय या इंद्र. पहले ऑप्शन से ना याद आ गया मेरे को हैप्पी गणेश चतुर्थी बिलेटेड वाली. हाँ वैसे कौन से भगवान को पसंद है ये आपको बताना है. बस जस्ट टॉकिंग अबाउट मोदक ये किसको नहीं पसंद. कम टू थिंक ऑफ इट यार मेरी जो डाइटिशियन है ना वो कहती है कि एक लड्डू इज लाइक हैविंग वन मील. हाँ यानी कि अगर आपने एक मील मिस कर दी तो चलो आपने एक लड्डू खा लिया. मैंने कहा क्या बात करो यार हम तो मील के बाद 2 लड्डू खा जाते नहीं. बड़ा भी द आंसर्स आर इन एंड द राइट आंसर ऑफ दिस ट्री इज बट ऑफ कोर्स गणेश भगवान. 4,000 से ज्यादा लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया. वेरी गुड. अभी महाराष्ट्र में वैसे गणेश उत्सव ही चल रहा है तो अगर आप महाराष्ट्र से हो तो हैप्पी गणेश उत्सव टू यू. 704 लोगों की लाइफ यूज हुई ऑन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. 800 से ज्यादा लोग एलिमिनेट हो गए. यानी क्वेश्चन 2 मेरे साथ खेलेंगे 35,000 से ज्यादा लोग. आर यू रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 2. आपके स्क्रीन पे ये रहा LGBT में टी का क्या मतलब होता है. ट्रांसकॉन्टिनेंटल ट्रांसलेट या ट्रांसजेंडर. अब ये जो LGBT है ना दैट वाज इन न्यूज बहुत ही रिसेंटली आफ्टर द हिस्टोरिक जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया. यानी कि अब प्यार इज प्यार फॉर एवरीवन. हैट्स ऑफ टू द सुप्रीम कोर्ट यार. सोशल मीडिया पे इस न्यूज के बाद ऐसी धूम मच गया. एवरीवेयर देयर वाज दिस रेनबो कलर्स. एक्चुअली रेनबो फ्लैग जो है वो LGBT प्राइड फ्लैग भी माना जाता है. इसीलिए सबने अपनी प्रोफाइल पिक्चर ये रेनबो कलर्स कर दिए. बट व्हाट इज द राइट आंसर. इट इज बट ऑफ कोर्स ट्रांसजेंडर. 25,000 से ज्यादा लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया. LGBT का फुल फॉर्म ही होता है लेस्बियन गे बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर. 3,432 लोगों की लाइफ यूज हुई. यानी आपने पेपर थोड़ा कम पड़ा. ओके 5,000 से ज्यादा लोग एलिमिनेट हो गए. ओके ओके नॉट बैड. यानी क्वेश्चन 3 अब मेरे साथ खेलेंगे 29,000 से ज्यादा लोग. आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा. अगर आप एक सिक्के को एक पानी के ग्लास में डालेंगे तो क्या होगा. वो क्या होगा उसका फ्लोट मिडवे. वो फ्लोट करेगा या फिर वो सिंक कर जाएगा. अब एक्सपेरिमेंट सुनने में तो अच्छा लग रहा है बट करेगा कौन. जस्ट थिंकिंग घर पे बैठे बैठे कर रहे हैं नहीं. बट आई रिमेम्बर बचपन में ना अंडर वाटर डाइविंग जब करते थे ना तो हमारी टीचर नहीं मैं अंडर वाटर डाइविंग स्पेन में नहीं करती थी यहीं करती थी इंडिया में. हाँ तो वहां पे हमारी टीचर यही कराती थी नीचे सिक्के डाल देती थी और आपको नीचे जाके सिक्के ढूंढ के लाना पड़ता था. वेट डिड आई गिव द आंसर हियर. आई थिंक आई डिड. द आंसर्स आर इन एंड द राइट आंसर्स बट ऑफ कोर्स इट विल सिंक. 25,000 से ज्यादा लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया और वो सारे लोग जिन्होंने गलत जवाब दिया मैं आपके लिए एक्सपेरिमेंट करती हूँ अभी. ओके दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर. ये एक सिक्का है 2 रुपए का. इसको मैं इसमें डालती हूँ. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ओके ओके 1 2 3 गॉन डाउन. यहाँ पे पहुंच गया. क्वाइट ऑब्वियसली क्योंकि कॉइन हैवी होता है इसीलिए डूब जाता है. अब ये कॉइन को मैं कैसे निकालूंगी आई हैव नो आइडिया. बड़ा भी आगे बढ़ते हैं टू क्वेश्चन नंबर 4 विद 26,000 से ज्यादा लोग. ये रहा मिंट ऑलिव एंड पाइन कौन से कलर के शेड्स हैं. ब्लू रेड या फिर ग्रीन. वैसे अगर आप इसे अलग अलग सोचो ना मिंट
ऑलिव, पाइन, तो इजीली आप इसका आंसर निकाल सकते हो. अभी इसका जवाब मैं आपको अभी चीट कोड में बता के गई थी जस्ट बिफोर द गेम, समोसे की अपनी कहानी की. आई गिव द आंसर देयर. ओके, अब देखो यार, समोसे के साथ तो दो चटनी मिलती है, रेड बी और ग्रीन बी. व्हाट इज द राइट आंसर? एंड ऑलिव, ये एक ऑयल भी होता है, फैंसी खाना इसी में बनाया जाता है, ऑलिव ऑयल. बट व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर ऑफ दिस ट्री इज ग्रीन. 23,000 से ज्यादा लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, वेरी गुड. ग्रीन के ही डिफरेंट शेड्स होते हैं, मिंट, ऑलिव एंड पाइन. 918 पीपल यूजिंग देयर लाइव्स ऑन दिस क्वेश्चन, 1,997 पीपल गेटिंग एलिमिनेटेड. डू नॉट गो एनीवेयर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 आप सब अटेम्प्ट कर पाओगे, बट क्वेश्चन 5 कितने लोग अटेम्प्ट करेंगे? 24,000 से ज्यादा लोग, 39,000 पीपल आर स्टिल लॉक्ड ऑन, वेरी गुड. क्वेश्चन 5 आपके स्क्रीन पे ये रहा. 2017 में आमिर खान की कौन सी फिल्म का रीमेक मेक्सिको में बनाया गया था? थ्री इडियट्स, दंगल या फिर पीके? अब आमिर खान को ना सब मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहते हैं. I've only heard about it, कभी उनके साथ काम तो नहीं किया. और ये तीनों ही फिल्म्स काफी आइकॉनिक हैं. In fact, I remember Three Idiots के बाद ना मेरे, I was also doing engineering in that time, और मेरे डैड ये माधवन के कैरेक्टर से इतना इंस्पायर हो गए कि उन्होंने मेरे से पूछा एक्चुअली, तुम्हें पक्का इंजीनियरिंग करनी है ना, तुम्हें कहीं ये फोटोग्राफी तो नहीं करनी है? उस टाइम तो मैंने नहीं बोला, बट उसके बाद आई नेवर परस्यूड इंजीनियरिंग. बट अभी व्हाट इज द राइट आंसर? इट इज इन फैक्ट Three Idiots. 13,000 से ज्यादा लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया. एक्चुअली Tres Idiotas, ये एक स्पैनिश लैंग्वेज में मूवी है. एक्चुअली ये एकदम हूबहू थ्री इडियट्स जैसी कहानी है, इवन द नेम इज लाइक दैट. वाओ, 5,000 से ज्यादा लोगों की लाइफ यूज हुई, 5,000 से ज्यादा लोग ही एलिमिनेट हो गए. यानी कि ये जो स्पैनिश फिल्म आप जब कभी देखोगे तो आप इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देख सकते हो. थ्री इडियट्स जैसी कहानी. क्वेश्चन 6 के लिए तैयार, आपकी स्क्रीन पे ये रहा. इनमें से किसके नाम पर केंटकी यूएस में एक क्रिकेट स्टेडियम है? सचिन तेंदुलकर, कपिल देव या सुनील गावस्कर? इमेजिन, एक पूरा का पूरा क्रिकेट स्टेडियम इनके नाम पे, व्हाट अ फील, राइट? वैसे एक स्टैंड किसके नाम पर है ये तो यू नो, राइट? सचिन तेंदुलकर स्टैंड इन द वानखेड़े स्टेडियम. बट यू हैव टू टेल मी अबाउट अ स्टेडियम किसके नाम पे है. वैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन, सेंचुरीज और मैचेस खेलने का रिकॉर्ड ही सचिन तेंदुलकर के पास है. बट इज दैट द राइट आंसर? लेट अस सी, द आंसर्स आर इन एंड द राइट आंसर इज नॉट सचिन तेंदुलकर, इट इज सुनील गावस्कर. 11,000 से ज्यादा लोगों को इस सवाल का जवाब पता था, वेरी गुड. क्रिकेट की नॉलेज रखते हो आप. एक्चुअली इस क्रिकेट ग्राउंड को सुनील गावस्कर ने खुद इनॉग्रेट किया था. बनता है यार, मतलब अपने नाम पे आप स्टेडियम बन रहे हैं तो आप इनॉग्रेट कर, इतना तो बनता है यार. 2,000 से ज्यादा लोगों की लाइफ यूज हुई, यानी क्वेश्चन 7 मेरे साथ खेलेंगे 13,700 ज्यादा लोग. आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा. किसके थ्रोन का नाम सिंहासन 32 था, क्योंकि इसमें 32 स्टोन स्टैचूज थी? अशोक, विक्रमादित्य या समुद्रगुप्त? 32 यार, ये तो स्माइल को कहते हैं ना, कैसी 32 सी दिखा रही है. एक्चुअली थोड़ी वियर्ड बात है कि मैंने अपने कभी काउंट नहीं किए दांत कितने. लोग कहते हैं कि आप ऐसे करके यू नो लाइक टंग के साथ कर सकते हो. आई नेवर डन इट, लाइक मतलब कम ऑन, व्हाई विल आई डू दैट, राइट? वैसे किसका, व्हाट इज द राइट आंसर? इज इट अशोक, जो मौर्य एम्पायर के राजा थे? विक्रमादित्य, जो विक्रम वेताल के लिए काफी फेमस है? और वाज इट समुद्रगुप्त? द आंसर्स आर इन एंड द राइट आंसर इज विक्रमादित्य. 11,000 से ज्यादा लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, वेरी गुड. वैसे विक्रमादित्य के, लेट मी जस्ट टेल यू, फ्लॉन्ट सम हिस्ट्री फॉर यू हियर. विक्रमादित्य का कैपिटल था उज्जैन. 453 ओनली लाइव्स यूज यहां पे हुई, ओके. 1,000 से ज्यादा लोग एलिमिनेट हो गए, यानी क्वेश्चन 8 अब मेरे साथ खेलेंगे 12,200 लोग एग्जैक्टली. आपके स्क्रीन पर आने से पहले मैं क्विकली बता देती हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने ऐप को अपडेट कर लो. यू शुड बी विद द टाइम्स यार, आपको अपडेट करो, नए नए गेम्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, शुड बी लाइक दैट. क्वेश्चन 8 आपके स्क्रीन पे ये रहा. 19th सेंचुरी में इनमें से किसको एक फ्लोर क्लीनर की तरह यूज किया जाता था? लाइफ बॉय सोप, लिस्टरीन माउथ वॉश या ओल्ड स्पाइस आफ्टर शेव? वाओ, 1879 में वैसे इस चीज को इन्वेंट किया गया था, जो राइट आंसर है. बट व्हाट वाज इट? फ्लोर क्लीनर. वैसे यार फ्लोर क्लीनर से याद आया कि जब घर पे पोछा लगता है ना तो मम्मी एक्सपेक्ट करती है कि हम फ्लोर पे ना खड़े हो. अरे तो कहाँ खड़े हो, कहते नहीं, नहीं नहीं नहीं, अपने पैर आप फर्श पे नहीं रखोगे. मैंने कहा हाउ लाइक हाउ इज दैट पॉसिबल, राइट? बट फॉर मॉम्स इट इज पॉसिबल, वो करवा भी देती हैं आपसे. और व्हाट इज द राइट आंसर? इट इज लिस्टरीन माउथ वॉश. ओन
only 3,024 people answering this one correctly. Oh my God. Bahut sare log life boy soap se confuse kar gaye. Almost 9,000 people answering this question incorrectly. Yani ye ban jata hai hamare aaj ke game ka pehla gabbar sawal. Gabbar sawal. इमेजिन लिस्टरीन माउथ वॉश जिससे हम अपना मुंह क्लीन करते हैं वो कभी फ्लोर क्लीन करने के लिए यूज किया जाता था. एक्चुअली नॉट जस्ट फ्लोर क्लीनर, ये एक सर्जिकल एंटीसेप्टिक के रूप में भी यूज किया जाता था. क्या बात है, 4,000 से ज्यादा लोगों की लाइफ यूज हुई, यानी यू आर बैक इन द गेम. बट क्वेश्चन 9 पे हम पहुंच गए हैं जिसका नाम होता है द कल नायक सवाल. 37,000 से ज्यादा लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, आप सब लोग. और अगर आपने बिना लाइफ यूज करे सही जवाब दिया तो फिर आपको एक लाइफ मिल जाएगी अगले गेम के लिए, कल के गेम के लिए. क्वेश्चन नंबर 9 के लिए तैयार, आपके स्क्रीन पे नाउ. इनमें से किस फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के बेटे भी एक चीफ मिनिस्टर थे? एम करुणानिधि, लालू प्रसाद यादव या मुलायम सिंह यादव. मतलब नेपोटिज्म चल रही है यहाँ पे भी, यहाँ कि पापा सीएम है तो बेटा भी सीएम बन जाएगा. वैसे पॉलिटिक्स ना इन तीनों की ही फैमिली बिजनेस है. I'm just saying, okay? वैसे एम करुणानिधि के बारे में कौन नहीं जानता यार, he was the chief minister of तमिलनाडु. लालू प्रसाद यादव ये राष्ट्रीय जनता दल से हैं. एंड मुलायम सिंह यादव ही बिलोंग्स टू द समाजवादी पार्टी. ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आई कांट बिलीव कि मैं कल नायक सवाल आपसे इतना इजी पूछ रही हूँ. व्हाट इज द राइट आंसर? इट इज मुलायम सिंह यादव. 18,000 से ज्यादा लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, वेरी गुड. मुलायम सिंह यादव के जो बेटे हैं अखिलेश यादव, ये यूपी के चीफ मिनिस्टर थे फ्रॉम 15th मार्च 2012 टू 19th मार्च 2017. I don't believe मुझे ये डेट्स याद है. वाह वाह, सो कूल सो कूल. बट अभी 18,487 लोग जिन्होंने बिना लाइफ यूज करे सही जवाब दिया, आप सबको एक लाइफ मुबारक हो. पर अब हम पहुंच गए हैं टू क्वेश्चन नंबर 10 जिसका नाम होता है द रनर्स अप सवाल. ये अगर आपने सही जवाब दिया बिना लाइफ यूज करे तो आपको 30,000 रुपए में से अपना हिस्सा मिलेगा. 4,871 लोगों के लिए पढ़ूंगी मैं क्वेश्चन 10 ऑन योर स्क्रीन नाउ. इनमें से कौन सा एनिमल कैन रन ऑन वाटर? चाइनीज वाटर ड्रैगन, ग्रीन बेसिलिक्स या वेल्ड कमिलियन. पानी के ऊपर रन करते हैं, हाउ कूल राइट? सोचो कंपटीशन हो रहा है कि भैया रेस ट्रैक्स बनाए हुए हैं आपने पानी के ऊपर, है ना, उसमें भाग रहे हो आप, ऐसे रेस हो रही है, लेमन रेस. आई मीन आई एम जस्ट सेइंग. ओके, पर अंडर वाटर डाइविंग तो ये बेचारे कर ही नहीं पाते होंगे, कहते होंगे अंडर वाटर हमसे नहीं होगा, हम तो भागेंगे ऊपर. बट व्हाट इज इट? द राइट आंसर आउट ऑफ दिस थ्री इज अ ग्रीन बेसिलिक्स. 1,379 पीपल ओनली आंसरिंग दिस वन करेक्टली. ओ माय गॉड. और बहुत सारे लोग चाइनीज वाटर ड्रैगन से कंफ्यूज कर गए. ऑलमोस्ट 3,000 पीपल आंसरिंग दिस क्वेश्चन इनकरेक्टली. यानी ये बन जाता है हमारे आज के गेम का दूसरा गब्बर सवाल. गब्बर सवाल. 1,379 लोग जिन्होंने बिना लाइफ यूज करे सही जवाब दिया, आप सबको 30,000 में से अपना हिस्सा मिल रहा है. मुबारक हो जी, कंग्रेचुलेशंस. और अब हम पहुंच गए हैं टू द फाइनल क्वेश्चन ऑन दिस एडिशन ऑफ ब्रेनबाजी. क्वेश्चन नंबर 11 फॉर 1,840 पीपल. आपके स्क्रीन पे ये रहा. Which of these companies did not manufacture fighter planes during World War II? Ford, Porsche या Mitsubishi? Remember, did not manufacture. वैसे ये तीनों ही companies आजकल cars बनाती हैं, like एकदम high-end cars, right? But World War II के समय किसी ने तो मतलब ये fighter planes नहीं बनाए थे. कौन था वो आपको बताना है. वैसे World War II history के books में आपने पढ़ा होगा. Come on, हमने पढ़ा है. मतलब dates वेस याद करने में काफी वाट लग जाती थी. But that's how history was, right? What is the right answer out of these three? Is it Ford, Porsche or is it Mitsubishi? The answers are in and the right answer is Porsche. 869 people only answering this one correctly. Oh my god, bahut sare log Ford se confuse kar gaye. No, let me just tell you ki Porsche ne first aircraft jo hai wo apna 1981 mein banaya tha. Yeah, matlab after the World War. Yeah, bada bhi 124 people using their lives on bilkul end waqt pe aake. Yani this edition of BrainBaazi has 993 winners. You guys are the stars of the show, yaar. I understand ki aaj questions thode tough the, but you still manage them. Good. Yani ki stars ko ek cheez dikhane to banti hai. Stars. Celebrations coming your way. Oh.
मुबारक हो। देखो अभी तो आप पैसे जीत गए, नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने दोस्तों को भी कहो कि भैया डाउनलोड दी ऐप, क्या करे हो जिंदगी में है, और उनसे अगर BaaziNow ऐप आप डाउनलोड करवा देते हो अपने रेफरल कोड के साथ, सपोज तीन दोस्तों से, ठीक है, तीन दोस्तों से आपने डाउनलोड करा लिया और उन्होंने कुछ भी पहली बार खेला, या तो ब्रेन बाजी या बिंगो बाजी या पोल बाजी, तो आपको मिल जाएंगे 30 रुपए। हाउ कूल राइट, 3 का 30, व्हाट अ कमाल का ऑफर, डू दैट। और अगर आप अभी जीत गए हो, सो व्हाई डोंट यू क्लिक अ पिक्चर यार, कम ऑन, यू लुक गुड, आई नो दैट, क्लिक अ पिक्चर एंड पुट इट ऑन सोशल मीडिया विद द हैशटैग ब्रेन बाजी। कुछ कुछ विनर्स के नाम हमारे पास आ गए हैं, रौनक, ऋषि, शशि 716, ए स्क्वायर, सचू 666, सनी चिल्लर, पवन, शंकर यादव, प्रनीत, ओके what else, Pavan, Don bhi khel rahe the, Geeta, congratulations, you all win your share of 1 lakh rupees. Dekho aap agar ye aapne runners up sawal ka bhi sahi jawab diya to 30,000 mein se apne se le ja rahe ho, aur uske alawa to aap le ja rahe ho, ha 70 rupees, bahut mubarak ho aapko, bahut mubarak ho, congratulations. Acha main aapko bata dun ki abhi hai, matlab abhi picture baki hai, isliye kyunki BaaziNow app pe bahut sari cheeze hoti rehti hain, like lot of offer to win money. Abhi 9 baje aap khelna poll baazi, fir kal 4:30 baje aap khel, kal 1 baje brain baazi, fir 3 baje poll baazi, aur fir 4:30 baje बिंगो बाजी खेलना। ऑलराइट, ओके, बट अभी डोंट गो एनीवेयर, नो, क्योंकि अभी मैं जाके वापस आ रही हूँ विद चीट कोड, आपको कल की एक गेम के सवाल का जवाब बताना है, अभी बता के जाऊंगी, डोंट गो एनीवेयर। And I am back! Hello, what is up? अच्छा, ये मैं आपको बता दूँ कि आज फ्राइडे है, एंड फ्राइडे पे जनरली लोग पार्टी करते हैं, और पार्टी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इट्स कॉल्ड कोक। या यू नो, जब भी मैं कोक खरीदी होती हूँ, पता नहीं क्यों मेरा ऐसा मन करता है कि कोक का मजा जो है ना, वो सिर्फ दोस्तों के साथ पीने में आता है, डोंट यू थिंक सो? अकेले पी रहे हो, बैठ के हैं, टीवी देख रहे हो, डजंट मेक सेंस, राइट? और इसीलिए आई वॉज सो हैप्पी जब कोक ने अपनी टैगलाइन चेंज करके कर दिया, शेयर अ कोक। So cool, right? It's such a simple tagline and a nice tagline. Share a Coke makes absolute sense. तो इसलिए अब जब मैं Coke share करके पीती भी हूँ, so I feel like woo, I'm living the tagline, right? But अभी बातों में मैंने आपको एक सवाल का जवाब बता दिया है। याद रखना, कल के गेम में आप ही को हेल्प करेंगे। अच्छा, वैसे आपको बता दूं, वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज जो मैं शायद आपको बहुत बार ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट आई थॉट एक बार दोबारा बता दूं, जस्ट अ रिमाइंडर कि आप अपनी ऐप को अपडेट कर लेना, कम ऑन यार, नाउ दैट, अगर आप स्मार्टफोन यूज करते हो, दिस अ वेरी वेरी बेसिक थिंग टू डू, इज टू अपडेट ऑल योर एप्स। ये BaaziNow ऐप ऑफ कोर्स अपडेट करो, बिकॉज देन ये जो नए नए गेम्स हैं, नए नए ऑफर्स हैं, आप सिर्फ तब आपको मिल पाएंगे व्हेन यू अपडेट द ऐप। तो अभी मैं जाती हूँ, but like I always say, keep brushing your brains, because that's the only thing that helps you. जाते जाते आपको सुकृति सलाम।